अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम ऑटो कैड 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 77 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम देखेंगे स्कीमेटिक टैब के अंदर मूव शो एट्रीब्यूट से क्या फंक्शन है, एडिट सिलेक्शन एट्रीब्यूट से क्या फंक्शन है, हाइड एट्रीब्यूट क्या होते हैं, अनहाइड एंड एड एट्रीब्यूट का क्या फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स, एट्रीब्यूट क्या होते हैं कि आप जब कोई सर्किट डिजाइन करते हो या उसमें आपने डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट लगाए तो उन कंपोनेंट्स का नाम, रेटिंग्स वगैरह, उनकी डिस्क्रिप्शन देने को एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो उनमें आप एडिटिंग कैसे करते हो, उनको डिलीट कैसे करते हो, ऐड कैसे करते हो, हाइड कैसे करते हो, तो इन सब के सब चीजों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। तो इसी ड्राइंग के ऊपर काम करेंगे जिस ड्राइंग पे हमने पहले भी काम किया था। तो आपको ये देखें, ये एट्रीब्यूट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये एट्रीब्यूट्स हैं। अब ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, इनमें काम कैसे करते हैं, इनमें एडिटिंग कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करेंगे इनको, और ये सारे काम आज हम देखते हैं। तो आपको एट्रीब्यूट्स में एडिट कंपोनेंट्स स्कीमेटिक टैब के अंदर, एडिट कंपोनेंट्स के अंदर आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन है रीनेम एट्रीब्यूट्स या एट्रीब्यूट्स के नाम से, तो ये आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं। तो इसमें मूव शो एट्रीब्यूट्स क्लिक करें इस पर, तो आप अपने एट्रीब्यूट्स को मूव करना चाहें तो मूव कर सकते हैं। मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये वाला एट्रीब्यूट है, दोनों इसको भी क्लिक करूंगा, दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। राइट क्लिक करके उसको मूव करता हूँ तो मूव हो जाएगा। एक एक को मूव करना चाहें तो आप एक एक को भी मूव कर सकते हैं। क्लिक करें यहाँ पे, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सॉरी दोबारा क्लिक करता हूँ, नीचे वाले को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करके उसको देखो मूव करता हूँ तो ये मूव हो गया। अब इस तरह मैं इसको भी मूव करना चाह रहा हूँ, सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके उसको मूव करता हूँ तो मूव हो गया। ओके, तो आप यहां से मूव कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एडिट सिलेक्टेड एट्रीब्यूट्स, जो सिलेक्ट एट्रीब्यूट जिसका नाम चेंज करना चाहे, एडिट करना चाहे तो सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने उसको ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो एल टी क्या क्वेश्चन मार्क है, एल टी करता हूँ 01। ओके, एल टी 01 हो गया, इसको भी मूव करता हूँ, 01 है ये, एल टी भी 0, ये भी 01 है, ये ओनली 1 है, क्लिक करें इसको, एल टी 02 हो गया। अब इसको मूव करना चाह रहे हैं आप तो मूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको मूव करने के लिए मूव और शो एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ इसको, मूव हो गया। ओके, तो आप यहां से इसको मूव कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद हाइड एट्रीब्यूट्स सिंगल पे क्लिक करें इसको, मैं यहां से इसको हाइड करना चाह रहा हूँ, लाइट को, रेड लाइट को सिलेक्ट करता हूँ, देखिए हाइड हो गया, मैं इसको भी हाइड करना चाह रहा हूँ, क्लिक करता हूँ हाइड हो जाएगा। अनहाइड करने के लिए आप यहाँ से एट्रीब्यूट तो दिया हुआ है लेकिन ये काम नहीं कर रहा, अनहाइड एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करें, इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो एट्रीब्यूट है वापस आ जाए, तो वापस मैं ओके करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे आ गए रेड एट्रीब्यूट्स और रेड लाइट, सॉरी रेड लाइट हमारे पास सामने आ गए। अगर नहीं आया तो कंट्रोल जेड आप करें तो वो भी आ जाएंगे। तो आप इसको सारे को सिलेक्ट करके आपने करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा करता हूँ यहाँ से हाइड एट्रीब्यूट, मैंने वो एक हाइड कर दिया। अब उसे अनहाइड करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे अनहाइड एट्रीब्यूट्स विंडो मल्टीपल पे क्लिक करें, इसका मैंने एट्रीब्यूट हाइड किया था, क्लिक करें इसको, राइट क्लिक करें और ये वाला है डिस्क 1 क्लिक कर दें इसको, तो देखेंगे सामने वापस आ गए। ओके, हाइड अनहाइड के बाद आपके पास और हाइड एट्रीब्यूट, अब हाइड भी हो गया अनहाइड भी हो गया, अब हाइड एट्रीब्यूट विंडोज मल्टीपल पे क्लिक करें, तो आप यहां पे देखें सिलेक्ट करें जिस चीज को, ओके, तो यहां पे ये हाइड हो जाएंगे सारे सारे विंडो के अंदर, अगर काफी सारे एट्रीब्यूट हैं सारे सारे हाइड हो जाएंगे, बहुत ज्यादा एट्रीब्यूट हमारे पास है, बहुत ज्यादा नहीं है। अनहाइड, उसके बाद ऐड एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करें,
इसके अंदर में ऐड करना चाह रहा हूँ एट्रीब्यूट्स, क्लिक करें नेम वैल्यू, तो नेम में देता हूँ बल्ब, वैल्यू देता हूँ मैं 100 वॉट। ओके हंड्रेड वाट बल्ब वापस कितने 100 वाट है। देखिए तो आप यहाँ पे नाम भी इसका दे सकते हैं और आप इसकी वैल्यू भी दे सकते हैं। ओके तो इसको कंट्रोल जेड करके इसे खत्म करता हूँ। तो ये था जी आपका ऐड कैसे करते हैं एट्रीब्यूट को, हाइड कैसे करते हैं एंड हाइड कैसे करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम रीनेम के ऊपर डिस्कस करेंगे और स्कीज एट्रीब्यूट का क्या फंक्शन है, स्ट्रेच का क्या फंक्शन है, चेंज एट्रीब्यूट, रोटेट, चेंज एट्रीब्यूट, जस्टिफिकेशन एंड चेंज एट्रीब्यूट लेयर का क्या फंक्शन पे कैसे काम करते हैं इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और जहाँ तक हमने ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में आइकन से हमने स्टार्ट किया था और अभी हम यहाँ पे पहुंचे, तो यहाँ तक आप बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आप अच्छी तरह से इस पर काम कर लें। और इसके ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल के साथ शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट आप सर्च करें शायद आपको मिल जाए, लेकिन नहीं है शॉर्टकट। तो आपको याद होना चाहिए कि कौन सा जो कौन सी क्वांट, कौन सी बार, कौन से मेन्यू, कौन से ड्रॉप डाउन बटन में है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें ताकि आप अच्छी तरह से प्रोफेशनली आप सर्किट डिजाइन कर सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।